अनु, आज आपने यूपीएससी में नंबर दो रैंक हासिल किया है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? कितनी खुशी है आपको? आई एम फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने पूरे परिवार, अपने फ्रेंड्स और सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी दुआओं ने और उनकी गुड विशेज ने मेरा बहुत साथ दिया. अनु, जिस तरह से आपने नंबर दो हासिल किया है, कितनी मेहनत आपने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? देखिए, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को निकाल दें तो बाकी बचा हुआ सारा ही टाइम स्टडीज़ में ही जाता था और ऑन एन एवरेज 10 to 12 आवर्स पर डे. शादी के बाद मौका मिला पढ़ने का? सर, शादी के बाद तो हाँ, मैंने जॉब भी की है. लगभग 9 साल अभी मुझे वर्क एक्सपीरियंस हो गया है प्राइवेट सेक्टर का. एंड यस, उसके बाद फिर 1.5 साल से मैंने जॉब छोड़ रखी थी और मैं अपनी तैयारी ही कर रही थी. IFS है, IAS है, IPS है, IRS है, किस फील्ड में आप जाना चाहोगे, प्रेफर करोगे? IAS is my first preference. I would want to take up IAS because मैं अपने देश में ही रह के देश की सेवा करना चाहती हूँ. अनु, बताया जा रहा कि आपका 4 साल का एक छोटा बच्चा है, वो भी अपनी में आपकी सफलता को लेकर बहुत खुश होगा. माता पिता बहुत खुश हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं परिवार में. उस जो वो लम्हा होता है एक यूपीएससी टॉप रैंक हासिल करने के बाद, उसको कहाँ आप फील कर रहे हो दोबारा? सर, अभी वो फीलिंग एकदम सरियल है. इट इज़ लाइक द फीलिंग हैज़ नॉट सिंक इन येट एंड इट इज़ लाइक अ ड्रीम एज इफ इट्स नॉट अ रियलिटी, बट इट विल टेक सम टाइम फॉर द फीलिंग टू सिंक इन. आई एम वेरी हैप्पी. अनु, हम आपकी पढ़ाई के बारे में बात करें, आपने स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? यस सर, सो बेसिकली माई स्कूलिंग इज फ्रॉम सोनीपत ओनली एंड आई हैव स्टडीड इन शिवाशिक्षा सदन एंड आफ्टर दैट आई हैव डन BSc graduation, physics honors from Hindu College, Delhi University. And after that, I've done MBA from IMT Nagpur. And as you know, after that, I've worked for 9 years and today I'm here. Anu, श्रेय किसको देना चाहती हूँ? श्रेय मैं अपने पूरे परिवार और अपने फ्रेंड्स को देना चाहती हूँ. अनु, आप अब देश के लिए, देश की जो सेवा करोगे IAS बन के या IRS बन के, IFS बन के, वहाँ पर जो महिलाओं के लिए, जो अब एक आठ महिला हो, उनकी सशक्तिकरण की बात आज हम करें. लगातार रेप के जैसे इनफैक्ट दैट इज़ वन ऑफ माय मोस्ट प्रायोरिटी लिस्ट आइटम्स. छोटे बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार और जो बुरे काम हो रहे हैं, दैट विल बी ऑन द टॉप ऑफ माय प्रायोरिटी लिस्ट टू टैकल दैट एंड सो दैट द गर्ल्स एंड फीमेल्स ऑफ माय कंट्री कैन फील सेफ इन देयर कंट्री एंड एट देयर होम्स. ये है ABP News, आपको रखे आगे.